हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर नंबर 4 का अनदर सब टॉपिक, दैट इज वेयर हाउसिंग। आपकी एनसीईआरटीज अपडेट हो चुकी हैं एंड वेयर हाउसिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 4 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एज वेल एज 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, दिस टॉपिक इज सुपर रिलेवेंट फॉर यू, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज वर। तो एक ना एक सर्विस ऑल्टरनेटिवली एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे इस बार अगर टेलीकॉम सर्विसेज पूछा तो नेक्स्ट टाइम वो वेयर हाउसिंग पूछते हैं, उसके अगली बार इंश्योरेंस। तो डैट्स वाई सारी सर्विसेज पे आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले निकाल लीजिए अपने वेपन्स, डैट इज योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड अ पेन, जिसमें हम सारे कंसेप्ट नोट डाउन करेंगे अच्छे से। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का लीडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट ई नोट्स और ई बुक्स, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच विल इन्हांस योर प्रिपरेशन टू अ नेक्स्ट लेवल। नाउ स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, सो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की आपको तैयारी कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है सुपर इम्पॉर्टेंट। अपनी कंसेप्ट रजिस्टर में हेडिंग डालिए वेयर हाउसिंग। लेट स्टार्ट आर टूडेज सेशन। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वंस अगेन। ओके सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ वेयर हाउस? तो अगर मान लीजिए कि गेहूं जो है, आपके घर में जो गेहूं आती है जिसको पीस के आटा बनता है, उसकी गोल गोल रोटियां बनती हैं, सो गेहूं जो है वो खेतों से तो आ चुकी है, ठीक है, बट अभी वो सही टाइम नहीं है कि मार्केट में उसे सेल किया जाए, ठीक है, या फिर अभी सही दाम नहीं मिलेंगे फार्मर्स को और अभी अबंडेंस है गेहूं की ऑलरेडी मार्केट में। सो ये जो उपज है इसका क्या किया जाए, इसको थोड़ा टाइम रखेंगे कहीं पर? अगर वो खेतों में रखते तो अभी आपको पता ही है कि बारिश का सीज़न आने वाला है, तो हो सकता है कि पूरी गेहूं ख़राब हो जाती और इतनी किसानों की कड़ी मेहनत, सब कुछ पूरा वेस्ट जाता, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो टाइम गैप है उसे फिल करती है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल्स होते हैं, ठीक है, और स्कूल्स के बाद आपके लगता है समर कैंप यानी समर हॉलीडेज लगती हैं। समर हॉलीडेज का गैप आप कैसे फिल करते हो? स्कूल, न्यू स्कूल चालू होने एंड जो पुरानी क्लासेस एंड होने के बीच में होता है समर कैंप, आप उसे कैसे फिल करते हो? प्रोजेक्ट से, असाइनमेंट से, को करिकुलर एक्टिविटीज से, डांस क्लास से, समर कैंप ज्वाइन करके कहीं पर, स्विमिंग क्लासेस से, राइट? तो आप भी तो इस गैप को फिल करते हो ना, और नई मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर आप प्रायरली देखना चालू कर देते हो, है ना स्टूडेंट्स? सो सिमिलरली वेयर हाउसेज का भी ऐसा ही एक गैप होता है। किस किस के बीच का गैप होता है? आपकी तरह क्लासेस के बीच का नहीं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी अगर जिस वक्त प्रोडक्शन हुआ है उस टाइम से अगर हम देखें कि कंजम्पशन में थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना वो सामान को वेयर हाउस में रखा जाए, ठीक है। कई सारे ऐसे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होते हैं या फिर नॉर्मल वेजिटेबल्स होते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखने की नीड होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर सीजन टू बी सोल्ड इन मार्केट। तो उनको क्या बोलते हैं, वो वाले वेयर हाउसेस को, जहाँ पर हम ठंडे सामान रखते हैं, जो सामानों को हमें लो टेम्परेचर में रखना होता है, तो वो वाला जो जैसे माइनस में, -15 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर्स में रखना होता है, तो उनको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेजेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के टाइम गैप को फिल करता है। आपको समझ में आया? इस वीडियो को फटाफट सबसे पहले लाइक करो, कमेंट करो कि आप सब लेक्चर देख रहे हो, एंड कमेंट करो कि यस मैम हम अच्छे से नोट्स बनाते हैं, यस मैम हम अच्छे से आपके लेक्चर्स देखते हैं, सब कुछ अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास देख रहे हो, राइट? चलिए, सो स्टोरेज हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारी दिक्कतें होती कि सामान कहाँ रखें। देयर वॉज अ सर्वे इन विच द फार्मर्स टोल्ड दैट जब वेयर हाउसेस नहीं थे, जो ओल्ड फार्मर्स हो चुके हैं उनमें, उन्होंने बोला कि जब वेयर हाउसेस नहीं थे तो वो ऐसे ओपन ग्राउंड्स में अपना जो प्रोड्यूस है वो रखते थे, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता था, कभी कीड़े मकोड़े या फिर कभी बारिश का पानी, कभी गंदगी, इस सब की वजह से वो प्रोडक्शन जो है उनका ख़राब हो जाता था, और उनको ना सिर्फ उनकी मेहनत का लॉस होता था बल्कि
जो बाहरी चीज़ें हैं उससे भी नुकसान होता था, बट वेयर हाउसेस ने उस दिक्कत को सॉल्व कर दिया. ओके, द वेयर हाउसेस वॉज इनिशियली व्यूड एज अ स्टैटिक यूनिट फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू मेंटेन देयर ओरिजिनल क्वालिटी वैल्यू एंड यूजफुलनेस. ये तीन वर्ड्स हैं कि वेयर हाउस में अगर आप सामान रख रहे हो तो आपकी ओरिजिनल क्वालिटी मेंटेन रहती है, दूसरा गुड्स वैल्यू के रहते हैं, और तीसरा यूजफुलनेस होती है उन गुड्स की, है ना. तो वेयर हाउस एक स्टैटिक यूनिट है. स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये मूव नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट मोबाइल. जैसे इस पेन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख सकती हूँ, राइट, बट वेयर हाउस को यू कैन नॉट ब्रिंग इट हियर, है ना, तो मूव नहीं हो सकता, इसलिए वो स्टैटिक है, इट डज नॉट चेंज. एंड कि इट इज़ हेल्पफुल इन कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर. सो अगर आप कभी वेयर हाउस विजिट करोगे तो आपने देखा होगा ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं बड़े बड़े. जैसे मान लीजिए ये वेयर हाउस है, ठीक है. सो अगर आप देखोगे इसके अंदर आप जाओगे तो ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, लाइक इतना ब्लॉक, 2, 3, 4, इसमें किसी का सामान होगा, इसमें किसी का, इसमें किसी का, इसमें किसी का, ठीक है. तो ये लोग बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में जो सामान है वो स्टोर करके रखते हैं, ताकि एक तो क्लियरेंस हो कि किसका जो गुड्स है वो किसके हैं, प्रोडक्शन किसका है, किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कितना केयर लगेगी, किस में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है या नहीं, किस तरह की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ली गई है, वेयर हाउस कीपर्स की जो है वो है या नहीं, ए टू जेड सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस वेयर हाउस में. ओके, द टिपिकल वेयर हाउस रिसीव्ड मर्केंडाइज बाय रेल, ट्रक, बुलक कार्ट, ठीक है. नॉर्मल वेयर हाउस में जो सामान है वो कहाँ से रिसीव होता है, ट्रेन से, या आपने सुना होगा ना मालगाड़ी आती है, ठीक है, ट्रेन से, ट्रक से सामान भेजा जाता है वहाँ पर, और बुलक कार्ट, ठीक है. अब the items were moved manually to the storage within the warehouse and hand piled in the stacks of the floor. तो ये जो floor है यहाँ पर, जैसे ये वाला particular block है, तो इसके floor से ही hand piled, मतलब हाथ से उठा के रखा जाता है सामान, ठीक है, ताकि वो अच्छे से maintain रहे. Now, next, they are used by manufacturers, importers, exporters, wholesalers, transport business, customs, etc. in India. सो वेयर हाउस की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ इंडियंस, ऐसा नहीं कि इंडिया के रिटेलर्स, इंडिया के होलसेलर्स, इंडिया के फार्मर्स, इंडिया के जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो यूज़ कर रहे हैं. नो, वेयर हाउस की फैसिलिटीज़ एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कस्टम्स, सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. आपने अगर एक मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि एक पर्सन क्या कर रहा था, देखिए एक मूवी है, इंडियन मूवी है, अगर आपको इसका नाम पता चले तो बता देना कमेंट बॉक्स में, बहुत ही पुरानी मूवी है. इस पर्सन ने क्या किया, कमाने के पर्सपेक्टिव से ही वॉज अ इंडियन, ठीक है. तो एक इंडियन शू सप्लायर से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, शू सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट किया शूज़ के लिए, है ना, दोनों पेयर ऑफ शूज़ के लिए. तो फिर ये फॉरेन गया, ये इंडियन पर्सन, वहाँ पे किसी बड़ी कंपनी से शूज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है. जिस दिन डिलीवरी थी इनसे तो दोनों पेयर ऑफ शूज़ लिए, यानी राइट पेयर और लेफ्ट पेयर दोनों लिए, बट जिस दिन डिलीवरी थी उनके शू बॉक्सेस में सिर्फ लेफ्ट पेयर ही डाल के दे दिया, ठीक है. तो इनने कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया. अब कंसाइनमेंट जब रिजेक्ट, इनने तो इनको पूरे पैसे दे दिए थे, कंसाइनमेंट जब रिजेक्ट कर दिया, दिस पर्सन पेड हिम द फुल अमाउंट, बट ही वॉज वेरी मच वरीड, क्योंकि जो अब उसने डिलीवरी देखी, चेक करी, बाकी बॉक्सेस, शुरू के बॉक्सेस तो ठीक थे, बाकी बॉक्सेस चेक किए तो सारे शू पेयर लेफ्ट पेयर के थे, ठीक है. तो रिजेक्ट हो गया. इसने बार बार इसको फ़ोन किया, ये कैसे शूज़ भेजे आपने, ये कैसे भेजे, मेरा तो पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया. इसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया एंड दैट पर्सन बिकेम फरार, ठीक है. अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसका ये जो कंसाइनमेंट है, अब ये क्या करता, तो एक पर्सन आया इसके पास कि आई एम रेडी टू बाय दीज लेफ्ट पेयर ऑफ शूजेस, जो इन्हीं का आदमी था, ठीक है. सो बेसिकली करप्शन की दुनिया को दिखाया गया था इस वाली पर्टिकुलर मूवी में. सो इनका आदमी क्या किया, वेयर हाउस में उन गुड्स को रखा, ठीक है, एंड वेयर हाउस में उन बॉक्सेस को रखा लेफ्ट पेयर, जहाँ पे ऑलरेडी राइट पेयर,
रखे हुए थे, बाद में इनको कंबाइन किया एंड मेन मार्केट में सेल कर दिया, वो भी इसी पर्सन को, है ना। सो फ्रॉड का एक करप्शन का एग्जाम्पल था जो लोग करते हैं, एंड यहाँ पर वेयर हाउसेस इन्वॉल्व थे क्योंकि स्टॉक पाइलअप जो था वो यहीं पर हो रहा था, यानी जो गुड्स पाइलअप हो रहे थे वो यहीं पर हो रहे थे। सो यही बोला है कि कस्टम्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कोई कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है कस्टम्स उसे सेल कर देता है, यानी नीलामी करवाना, ठीक है। तो नीलामी में जो पर्सन खरीद ले वो लेफ्ट पेयर ऑफ शूज उसके हो गए, बट उस वक्त तो किसी ने नहीं खरीदे क्योंकि लेफ्ट पेयर ऑफ शूज सिर्फ कौन खरीदता है, राइट पेयर और लेफ्ट पेयर दोनों खरीदना होता है, राइट। सो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज हैं जो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगी, प्लीज देखा करो इफ यू हैव अ बिजनेस माइंड। नाउ टुडेज वेयर हाउस हैव सीज टू बी अ मियर स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर एंड हैव रियली बिकम लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वेयर हाउस शब्द सुन रहे हो तो मतलब यहां पे गुड्स सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड है, ठीक है। एक है मिस्टर ए, इन्होंने कपाड़िया वेयर हाउसेस में इन्होंने गुड्स स्टोर करवाए और इन्होंने वेयर हाउस कीपर्स को बोल दिया कि 14 डेज के बाद इसकी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डिलीवरी कर देना, ठीक है, विद इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के पेपर्स हैं जो आप उनको दे देना, ठीक है। सो आज के ज़माने में वेयर हाउस सिर्फ स्टोरेज नहीं और भी बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टोरेज, हैव सीज टू बी जस्ट स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर एंड नाउ वो लॉजिस्टिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी, जैसे इंश्योरेंस, जैसे टेकिंग केयर ऑफ गुड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे उसको पेस्ट फ्री रखना, बहुत सारी सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डैट इज मेकिंग अवेलेबल द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन अ राइट फिजिकल फॉर्म एट अ राइट कॉस्ट, क्योंकि वेयर हाउसेज बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे राइट आपको याद करने पड़ेंगे, क्या क्या हो रहा है, आपको राइट क्वांटिटी अवेलेबल है, किस समय पर, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट फिजिकल फॉर्म में और सही दाम पर, ठीक है। कई बार तो वेयर हाउसेज ही सब कुछ करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज सिर्फ प्रोडक्शन करके सबमिट कर देता है कि ये लीजिए, बाद में प्रॉफिट हो तो दे देना, ठीक है। तो वो उनके बीच में फिक्सिंग होती है एंड दैट इज़ ये सब सही चीज़ें क्यों हो पा रही, क्योंकि आज वेयर हाउस सिर्फ स्टोरेज नहीं मल्टीपल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्दर अपन मूव करते हैं। नाउ मॉडर्न वेयर हाउसेज आर ऑटोमेटेड विद ऑटोमेटिक कन्वेयर्स, कंप्यूटर ऑपरेटेड क्रेन्स, forklifts for moving goods and also usage logistics for automation software for warehouse management, ठीक है। ये तो modernization का example हो गया। जैसे 23-24 का जब budget आया था उन्होंने बोला कि जो खेत होते हैं, है ना, जो agricultural farm होते हैं, ज़मीनें सूखी पड़ रही थी और इन फार्म में टाइम पे पानी नहीं पहुंच पा रहा था और फार्मर्स को खुद ही जाना पड़ता था बड़े बड़े खेतों में, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया ड्रोन शक्ति का। ड्रोन शक्ति टेक्नोलॉजिकल वे है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर और प्रोवाइडिंग वाटर टू द फार्म्स, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट बना था, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ था कि जिन एरियाज में वाटर सप्लाई नहीं भी होती थी उन एरियाज में भी वाटर सप्लाई पहुंच गई। सो ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हर सेक्टर में हो रहे हैं। सिमिलरली वेयर हाउसेज भी आज ऐसा नहीं कि ट्रक से सामान आया उसे एक एक हम्माल ऐसे उठा के बोरी में रख रहा है और फिर उसके बाद जाके वेयर हाउस में वो स्टोर हो रहा है, नो। आज हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक कन्वेयर्स का, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटेड क्रेन्स का, आप क्रेन्स के थ्रू भी सामान भिजवा सकते हो, forklifts for moving goods, forklifts वो ऐसे गाड़ियाँ होती हैं जिसमें हम गुड्स का, मतलब आज इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं
कि सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगा है. दीज डेज द वर्कर्स शुड नॉट एंड मस्ट नॉट कैरी सच हैवी लोड्स ऑन देयर बैक एंड पुट इट इन द वेयर हाउसेज. इट इज़ टू मच ऑन द प्लेट फॉर द वर्कर्स. ओके, तो उनको एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड हो तो मॉडर्नाइजेशन का यूज़ हो रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन था. Now let's study types of warehouses. So first है students private warehouse. So private warehouse क्या होता है? Private warehouses are operated, owned or leased by a company handling their own goods such as retail chain stores, multi-brand, multi-product companies. ठीक है, so private warehouses are operated, owned and leased by a company handling their own goods. जैसे मेरे goods हैं, मेरा production है, ठीक है, किसी भी क्रॉप्स का मैंने इन क्रॉप्स को वेयरहाउस की फैसिलिटी से स्टोर करा तो ये वेयरहाउस भी मेरा ही होगा. ठीक है, सो आर प्राइवेट वेयरहाउसेस आर ऑपरेटेड ओन्ड एंड लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स सच एज रिटेल चेन स्टोर्स और मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज. जैसे आपने देखा होगा, एक है स्टोरेज होता है. जैसे कोई कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे हो गया नेटमेट्स, जैसे हो गया ब्लिंकिट, इनकी खुद के सेपरेट वेयर हाउस होते हैं. ये वहीं पर सामान रखते हैं और वहीं से डिलीवरी करवाते हैं लोगों की. तो यूजुअली जो रिटेल चेन का आप बिज़नेस देखोगे यहीं पर चालू हो रहा है. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? प्राइवेट वेयर हाउसेज. एज अ जनरल रूल एन एफिशिएंट वेयर हाउस इज प्लान्ड अराउंड अ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू एनकरेज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट मूवमेंट. तो अगर एक एफिशिएंट वेयर हाउस है तो एफिशिएंट वेयर हाउस कैसे कहलाता है? जब हम उसको प्लान करें प्रॉपरली कि वो कैसे चलेगा, उसका ऑर्डर डिसाइड करें, उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी डिसाइड होगी. एंड ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसा होगा, कैसे प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, अदर बेनिफिट्स लाइक इम्प्रूव्ड डीलर रिलेशंस. तो प्राइवेट है, अपना है, तो किसी भी प्रकार से आप उसको मैनेज कर सकते हो. इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेयर हाउस, दैट इज पब्लिक वेयर हाउस. सो पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाई ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ स्टोरेज फी एंड चार्जेस. ठीक है, सो मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, उसको सही टाइम पर सरकार को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, बट उस टाइम के लिए उसको प्रोडक्ट्स सही रखने हैं अपने. ठीक है, तो उसने वेयर हाउस फैसिलिटी ली और चार्जेस पे किए. ये वेयर हाउस उसका नहीं था. ठीक है, ये ऑलरेडी पब्लिक का वेयर हाउस था, गवर्नमेंट वेयर हाउस था, जहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो. सो पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाई ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ स्टोरेज फी और चार्जेस. ठीक है, तो एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक में आ जाएगा फार्मर. ठीक है, यूजुअली जो बिजनेस के ट्रेडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं. नाउ द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउसेज बाय इशूइंग लाइसेंसेस फॉर देम टू प्राइवेट पार्टीज. सो मान लीजिए ये गवर्नमेंट वेयर हाउस है, ठीक है, बट इसका लाइसेंस किसको मिला है? प्राइवेट लोगों को मिला हुआ है, प्राइवेट पार्टीज चलाते प्राइवेट लोग ही हैं, बट लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया कि आप चलाओ. ठीक है, तो गवर्नमेंट से लाइसेंसेस मांगे जाते हैं और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड वेयर हाउस होते हैं. बस चलाने वाले लोग कौन होते हैं? प्राइवेट पार्टीज. द ओनर ऑफ द वेयर हाउस स्टैंड एज एन एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई पर्सन वेयर हाउस में कोई भी गुड्स स्टोर करवा रहा है तो वेयर हाउस कीपर जो है, वेयर हाउस कीपर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गुड्स का एजेंट हो जाएगा. यानी अगर गुड्स को कुछ भी हुआ, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक एप्रोप्रिएट केयर ऑफ गुड्स. ऐसा नहीं है कि वो गुड्स का ध्यान ना रखे, उसे पूरा ध्यान रखना होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द पब्लिक वेयर हाउस. नाउ दीज वेयर हाउसेज प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो. दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड हैं, जैसे मैंने बताया था मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल एंड रोड. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ द गुड्स.
स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स फाइंड इट कन्वीनियंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेयर हाउसेज. जो छोटे बिजनेसमैन है वो खुद का वेयर हाउस तो नहीं बना सकते, इसलिए वो ऐसे पब्लिक वेयर हाउसेज का बेनिफिट उठाते हैं. नाउ यहाँ पर ना सिर्फ आपको स्टोरेज फैसिलिटी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, बाय रोड, जो भी सप्लायर चाहे उस हिसाब से हो सकता है. द अदर बेनिफिट्स इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर ऑफ लोकेशन, नो फिक्स्ड कॉस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑफरिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक पैकेजिंग एंड लेबलिंग. मान लीजिए आपने पैकेजिंग नहीं की तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग की सर्विसेज भी वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं. सो आपको कुछ नहीं करना, बस स्टोरेज करना है, बाकी सबके चार्जेस पे करो एंड काम करवा लो. नाउ थर्ड है बॉन्डेड वेयर हाउस. बट उससे पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ इन वीडियोस इस जो पर्टिकुलर स्लाइड्स हैं उसको आप पॉज करिए एंड अच्छे से नोट्स बनाइए. ठीक है, पॉज करिए, नोट्स बनाइए, देन हम प्रोसीड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउस. सो व्हाट इज बॉन्डेड वेयर हाउस, चलिए देखते हैं. बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स प्रायर टू द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी. तो जो भी गुड्स इम्पोर्ट किए जाते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय इम्पोर्टेड गुड्स, जैसे मान लीजिए कि पहले COVID-19 पैंडेमिक के पहले हम टॉयज को इम्पोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉयज़ का प्रोडक्शन हाउस एक ही दो थे जो कि बहुत कॉस्टली टॉयज़ बनाते थे, तो हम टॉयज़ को इम्पोर्ट करते थे. बट विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन इंडिया आज हम टॉयज़ के मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो भी चीप कॉस्ट पे टॉयज़ बन जाते हैं. सो पहले तो हम उसे इम्पोर्ट करते थे, तो इम्पोर्ट करने के बाद वो कहाँ स्टोर कराए जाते थे, वो स्टोर कराए जाते थे बॉन्डेड वेयर हाउसेज में. बट उसके लिए हमें टैक्स क्लियरेंस एंड कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती थी अगर हमें बॉन्डेड वेयर हाउस का यूज़ करना है तो ये भी गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो जब भी हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, सो बॉन्डेड वेयर हाउस को लाइसेंस मिला हुआ है गवर्नमेंट द्वारा कि वो इम्पोर्टेड गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. पर पहले जो सप्लायर है, जो गुड्स में जमा कर रहा है वेयर हाउस में, उसको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी और कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि आप दूसरे देश से इम्पोर्ट कर रहे हो ना, राइट. दीज आर द गुड्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा अदर कंट्रीज से रिलेटेड होता है. नाउ इम्पोर्टर्स आर नॉट परमिटेड टू रिमूव गुड्स फ्रॉम द डॉक्स और एयरपोर्ट टिल द कस्टम ड्यूटी इज पेड. ठीक है, सो आप डॉक्स क्या होता है, जब हम जैसे ही सामान अनलोड हुआ तो जिस एरिया में वो अनलोड होता है उसे बोलते हैं डॉक यार्ड. ठीक है, सो जो डॉक होता है वहाँ पर सामान पड़ा होता है, तो वो सामान जब तक आप नहीं ले सकते, आपका आपके गुड्स हैं वो, बट आप जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे वो सामान आपका नहीं होगा. सो टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको बॉन्डेड वेयर हाउस में सामान रखना है तो, स्टोर करवाना है तो. ओके, नाउ एट टाइम्स इम्पोर्टर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे द ड्यूटी इन फुल एंड डज नॉट रिक्वायर ऑल द गुड्स इमिडिएटली. कभी कभी क्या होता है, जो लोग इम्पोर्ट कर रहे होते हैं ना गुड्स को, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है इंडिया में, वो कोई विदेशी कंट्री से कुछ इम्पोर्ट करी, विदेशी कंट्री कोई कंपनी से, ठीक है, तो मान लीजिए अभी उनको तुरंत गुड्स यूज़ नहीं करने और उन्होंने आधी कस्टम ड्यूटी पे की है ना. टू पे द कस्टम ड्यूटी डज नॉट रिक्वायर एट ऑल द गुड्स इमीडिएटली. ठीक है, तो आधी कस्टम ड्यूटी पे की है, द गुड्स आर केप्ट इन बॉन्डेड वेयर हाउस बाय कस्टम अथॉरिटी टिल द कस्टम ड्यूटी इज पेड. वो गुड्स ओनर को दिए ही नहीं जाएंगे जिसने इम्पोर्ट कराए हैं, वो गवर्नमेंट के ही कहलाएंगे. जब तक ओनर जिसने इम्पोर्ट किया है वो कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर देता, गवर्नमेंट क्लियरेंस ही नहीं देगी. ठीक है, कस्टम अथॉरिटीज के गुड्स कहलाएंगे वो. नाउ दीज गुड्स आर सेट टू बी इन बॉन्ड, है ना. वो बॉन्ड क्या है, पहले कस्टम ड्यूटी पे करो, गुड्स ले जाओ, ठीक है, गुड्स स्टोर करवाओ. सो दीज वेयर हाउसेज हैव द फैसिलिटी फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्लेंडिंग. सो जैसे सारी फैसिलिटीज होती हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो जा रहा है, वो सारी फैसिलिटीज बॉन्डेड वेयर हाउस भी प्रोवाइड करते हैं. इम्पोर्टर्स मे ब्रिंग देयर बायर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड रीपैकेज देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो इम्पोर्टर्स मतलब मान लीजिए कि फॉरेन में स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक है, मान लीजिए फॉरेन की स्ट्रॉबेरीज हैं या फिर बॉकचॉय है. बॉकचॉय पालक जैसा ही दिखता है बट इंडिया में नहीं उगता.
जैसे या फिर ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टर है, ये एक्सपोर्टर है एक्स, इसने एक्सपोर्ट किया, ये कंट्री है मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री है जहाँ पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से अपन ने इंडिया में, इंडिया के एक इम्पोर्टर ने परचेज किया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी भी पे कर दी, टैक्स भी पे कर दिया, इनने रखा सामान कोल्ड स्टोरेज में, जब ये गुड्स आए थे, जब ये फ्रूट्स आए थे, पर इस पर ना फॉरेन कंपनी की लेबल लगी हुई थी, तो इन्होंने बॉन्डेड वेयर हाउस यानी बॉन्डेड कोल्ड स्टोरेज जो था उनको बोला कि आप क्या करना, इस लेबल को चेंज कर देना, ठीक है। तो ये वाली फैसिलिटी भी अलाउड है इम्पोर्टेंस में, ब्रिंग देयर बायर्स फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। अब ये मान लीजिए किसी को अगर स्ट्रॉबेरीज, बॉकचॉय या ड्रैगन फ्रूट का स्टॉक देखना है वेदर इट इज़ फ्रेश और नॉट टू गिव द प्रायर ऑर्डर्स, इम्पोर्टर्स उन्हें लेके आ सकते हैं वेयर हाउस में, सो फॉर द गुड्स एंड रीपैकेज देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको रीपैकेज भी करवा सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ बॉन्डेड वेयर हाउसेज, ओके। सो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बोल लो, वेयर हाउस बोल लो, एक ही बात है। दस इट फैसिलिटेट्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स, गुड्स कैन बी removed in part as and when required by the importers and buyers and import duty can be paid in installments, ठीक है। so import duty आप installments में भी pay कर सकते हो, जब buyers को ज़रूरत हो उस हिसाब से आप goods warehouse से निकाल भी सकते हो। importer need not block funds for the payment of import duties before the goods are sold or used, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको block करने पड़े funds को। even if he wishes to export the goods kept in the bonded warehouse he may do so without payment of custom duty, ठीक है। so एक बार आप custom duty pay कर चुके हो, आपको किसी और country में export करना है आप कर सकते हो, इस बार आपको duty नहीं pay करनी पड़ेगी क्योंकि फिर वो double हो जाएगा ना, जैसे GST हम क्यों लाए थे, क्योंकि double taxation हो रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप एक बार पे कर चुके हो यू डोंट हैव टू पे अगेन। सो दस बॉन्डेड वेयर हाउस फैसिलिटेट्स एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट मतलब आपने किसी कंट्री से इम्पोर्ट करे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। ध्यान देना, एंट्री पोर्ट का मतलब होता है कि हमने गुड्स इम्पोर्ट किए हैं हमारी कंट्री में सेल करने के लिए, नहीं किस लिए, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी कंट्री में इम्पोर्टिंग विद द पर्पज टू एक्सपोर्ट एंड अर्न मनी, ठीक है। हो सकता है इम्पोर्ट आपको सस्ते में गुड्स मिल गए हों एंड जिस कंट्री को नीड है आप उन्हें महंगे में कर रहे हो, तो बीच का जो मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो उसको क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड, ठीक है। ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एडवांस वर्जन है, ठीक है। नाउ इम्पोर्टिंग विद द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग, गवर्नमेंट वेयर हाउस। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम पब्लिक वेयर हाउस पढ़ा तो अपन ने, फिर गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या होता है। सो दीज वेयर हाउसेज आर फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मैनेजेस देम थ्रू ऑर्गनाइजेशन सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो यहाँ वेयर हाउस भी सरकार का और मैनेज करने वाले लोग भी सरकारी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी सरकारी, ठीक है। पब्लिक वेयर हाउस में क्या था, वेयर हाउस तो सरकार का था बट मैनेज करने के लिए जो लाइसेंस था वो किसको दिया था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पूरा प्योरली गवर्नमेंट है। नाउ कोऑपरेटिव वेयर हाउस, सम मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव सेट अप देयर ओन वेयर हाउसेज। आपने अगर पढ़ा हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, इसमें हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th चैप्टर नंबर 2, इसमें अपन ने देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत सारे तरह की होती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। या मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोडक्शन होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स। तो प्रोडक्शन होके पूरा प्रोडक्शन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, नो, वो कहाँ रखा जाएगा, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस में। सो ये उन्हीं के मेंबर्स के लिए उनने खुद ही सेट किया होता है कि हाँ ये वेयर हाउस है और यहाँ पर सामान रखा जाता है। यूजुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेयर हाउसेस रेजिडेंशियल फ्लैट्स ही होते हैं रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में और बुक में कोई भी
सिमिलैरिटी नहीं है. बुक में बोला जाता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस, देयर ओन वेयर हाउस विच दे हैव सेट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मेंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना कोऑपरेटिव वेयर हाउस. नाउ फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक. पुट अ हेडिंग एंड प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट. इस फ्लो चार्ट को फटाफट बनाइए, देन वी विल प्रोसीड. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस का मतलब वेयर हाउस क्या क्या काम करता है, ठीक है. सो फर्स्ट फंक्शन है कंसोलिडेशन. सो दीज वेयर हाउसेज आर फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट. तो ये सबसे पहले तो पूरे गवर्नमेंट ओन्ड वेयर हाउस होते हैं. ओके, द गवर्नमेंट मैनेजेस देम थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन. ठीक है, अब कंसोलिडेशन होता क्या है, ठीक है. तो जैसे प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, कंसोलिडेशन वेयर हाउस ABC. इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर पार्ट्स में सामान है, उसको हमने इकट्ठा किया एंड इकट्ठा जो है सप्लाई किया, ठीक है. सो ये है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस का काम, दैट इज कंसोलिडेशन. सो ब्रेक द बल्क. कंसोलिडेशन क्या होता है, आप अच्छे से समझे कि नहीं. देखिए, मान लीजिए पर्टिकुलर एक पर्सन है, सप्लायर ए जिसने वेयर हाउस में सामान रखा है, सप्लायर बी जिसने वेयर हाउस में सामान रखा है, एंड सप्लायर सी जिसने वेयर हाउस में सामान रखा है. तीनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं. एक परचेजर है डी जिसको लार्ज क्वांटिटी चाहिए, ठीक है. तो ये वेयर हाउस क्या करेगा, इन तीनों से बात करके कंसोलिडेट करा के, यानी इकट्ठा करा के, है ना, पाइल करा के, एक साथ पाइल अप करा के, या फिर हम बोल सकते हैं बल्क बनाकर, बल्क प्रोडक्शन जो है एक साथ इकट्ठा कर उसको सप्लाई कर देगा, ठीक है. जो भी पैसे रिटर्न आएंगे वो इनको दे देगा, बीच में अपनी कमीशन खा लेगा, ठीक है. वेयर हाउस कीपर का ही काम है. सो कंसोलिडेशन क्या होता है, पार्ट्स में जो सामान है उसको इकट्ठा करो एंड देन सेल करो. सो गवर्नमेंट ये काम करती है. अगर हमारे पास कोई बड़ा परचेजर है तो यस, हम बाकी वेयर हाउस में रखे हुए बाकी लोगों का जो सामान है वो सेल करवा सकते हैं, ठीक है. तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो टाइम गैप है वो फिल हो जाएगा. नाउ ब्रेक द बल्क. ब्रेक द बल्क कंसोलिडेशन का जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है, वही डी जो है परचेजर, इसके पास एक बल्क अमाउंट है, बल्क अमाउंट नहीं, बल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, जो इसने परचेज किया हुआ है. अब इसको, इसने ये सामान वेयर हाउस में रखा. अब तीन सप्लायर्स हैं, ए बी, तीन कस्टमर्स हैं ABC. तो ये तो सप्लायर है, इसका सामान कहाँ रखा हुआ है, इसका प्रोडक्शन रखा हुआ है वेयर हाउस में. तीन कस्टमर्स आते हैं ABC, बट उनको इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में, बराबर तीन पार्ट्स में चाहिए. सो यस, इन तीनों पार्ट्स में वेयर हाउस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. इसको बोलते हैं ब्रेक द बल्क, ठीक है. नाउ ब्रेक द बल्क, द वेयर हाउस परफॉर्म फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट्स इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज. दीज स्मॉलर क्वांटिटीज एंड देन ट्रांसपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स टू द बिजनेस क्लाइंट्स, ठीक है. मैं एक बार और फिर से आपको ये वाला कंसेप्ट समझाती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या है, ठीक है. एग्जाम्पल वन, एक सप्लायर है, ठीक है, जिसने, जिसके पास वीट रखी हुई है, हैवी क्वांटिटी में वीट पड़ी है, ठीक है. इनका नाम है सप्लायर ए. ऐसे ही एक सप्लायर बी है, इनके पास भी वीट पड़ी है. एक सप्लायर सी है, इनके पास भी वीट पड़ी है. मान लीजिए इनके पास वीट पड़ी है एक्स क्वांटिटी, वाई क्वांटिटी, इनके पास है जेड क्वांटिटी, ठीक है. एक परचेजर है, एक कस्टमर है डी, इसको चाहिए वीट एक्स वाई जेड क्वांटिटी, ठीक है. यानी जितनी वीट इन तीनों ने वेयर हाउस में जमा की है उतनी ही इसको चाहिए टोटल में, ठीक है. तो वेयर हाउस कीपर इनको इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा एक कस्टमर आया है. तो ये लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, आप इनके साथ जोड़ के सामान को सप्लाई कर दो, एंड जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा आप हमें दे देना, जो भी वो पैसे वो लोग दें, या कस्टमर से बात करवा देगा, बीच में एजेंट की तरह कमीशन ले लेगा. सो इसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन. यानी यहाँ का प्रोड्यूस इकट्ठा करके वेयर हाउस में जो रखा हुआ है अलग अलग तरीके से, इन सबको बल्क में इकट्ठा करके कस्टमर को सप्लाई कर देना, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कंसोलिडेशन. नाउ एक और एग्जाम्पल,
मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, इनके पास कोई चीज के 100 क्विंटल्स पड़े हैं, ठीक है, और इनने ये वेयर हाउस में जमा करके रखे हैं। एक कस्टमर आए, दो तीन कस्टमर आए, कस्टमर एक्स ने बोला मुझे तो 25 क्विंटल्स चाहिए, वाई ने बोला मुझे केवल 50 क्विंटल्स चाहिए, एंड जेड ने बोला मुझे 25 क्विंटल्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे, इस बल्क को इस हिसाब से ब्रेक करेंगे, वेयर हाउस कीपर इस हिसाब से ब्रेक करेगा एंड कस्टमर को सेल कर देगा ऑन आस्किंग प्रायरली विथ ए द सप्लायर, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द बल्क, यानी बल्क को तोड़ के फिर सेल करना, या फिर टूटे हुए को बल्क बना के सेल करने को क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। बल्क को तोड़ के और फिर सेल करने को बोलते हैं ब्रेक द बल्क, ठीक है। सो ये हो गया ब्रेक द बल्क का कॉन्सेप्ट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्दर स्टॉक पाइलिंग, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज द सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड्स टू सिलेक्ट द बिजनेस। गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर द सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। दे आर मेड अवेलेबल टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स डिमांड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच हैव हार्वेस्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम सब्सिक्वेंट कंजम्पशन थ्रोट आउट द ईयर ऑल्सो नीड टू बी स्टोर्ड देन रिलीज्ड इन लॉट्स। जैसे मैंगोज हो गए, ठीक है, टाइम शुरू होने से पहले ही मैंगोज का प्रोडक्शन हो गया। जैसे कैरेट्स हो गई, ठीक है, वो इंग्लिश कैरेट्स आती है ना, जो नॉर्मली गाजर जो होती है वो एक रेड होती है, एक होती है ऑरेंज टाइप की, तो उसका भी प्रोडक्शन पहले से हो जाता है। जैसे बॉक चॉय हो गया, ठीक है, आजकल इंडिया में तो हर चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो सीजनल आइटम होते हैं उनका पर्टिकुलर सीजन में प्रोडक्शन होता है, एंड जब टाइम सही होता है वो तभी सप्लाई होता है। इसको बोलते हैं स्टॉक पाइलिंग। तो यानी जब तक वो सप्लाई के स्टेज में नहीं आ जाता, हम उसे उसका स्टॉक जो है हम पाइल अप करके रखेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक पाइलिंग। नाउ वैल्यू एडेड सर्विसेज, सर्टेन वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे ट्रांजिट मिक्सिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, गुड समटाइम नीड टू बी ओपन, रीपैकेज, लेबल अगेन एट अ टाइम ऑफ इंस्पेक्शन प्रोवाइडेड बाय द बायर्स, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, डिवाइडिंग द गुड्स, ब्रेक द बल्क, कंसोलिडेशन, ऐसी सारी सर्विसेज वेयर हाउस आपको प्रोवाइड करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, VAS, ठीक है। सो सिर्फ स्टोरेज इज नॉट लिमिटेड, आपको पूरी सर्विसेज जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। सो प्राइस स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट। तो मान लीजिए बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द डिमांड सिचुएशन वेयर हाउसिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, दिस प्राइसेस आर कंट्रोल्ड व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीज एंड द डिमांड इज स्लैक और वाइस वर्सा। मान लीजिए कि मैंगोज का अभी सीजन है, समर सीजन, ठीक है, मैंगोज का अभी समर सीजन है। अब कुछ समय बाद लीची आने वाली है मार्केट में, ठीक है, लीची आने वाली है, बट लीची का अभी से अगर अपन ने लीची को सप्लाई कर दिया, ठीक है, लीची का अभी से अगर सप्लाई कर दिया तो इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बट अगर अपन ने कुछ समय बाद किया, लाइक स्टोर किया, देन कुछ समय बाद किया, तो प्राइस कम मिलेगा, क्योंकि तब लीची का एकदम पीक सीजन होगा, तो लीची सस्ते में मिलेगी। बट अभी इज़ द राइट टाइम टू अर्न मनी इफ़ यहाँ पर अगर लीची मार्केट में अभी तक गई नहीं है तो, ठीक है। तो वेयर हाउस क्या होते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, वो डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसको अभी फ़िलहाल रोक दो, जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तब सेल करना, उससे क्या होगा, एक बैलेंस हो जाता है प्राइस स्टेबलाइजेशन का। और अगर बहुत कम क्वांटिटीज़ में है, मतलब उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा सप्लाई कर दो ताकि वो प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, यानी नॉर्मल हो जाए, तो कस्टमर्स के लिए भी इजी होता है टू बाय द गुड्स, ओके। सो प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी इन ट्रांजिट मिक्स ओवर, ट्रांजिट मिक्सिंग पॉइंट, प्रोडक्ट डी, कस्टमर डब्ल्यू, एक्स वाई एंड कस्टमर जेड। यहाँ पर ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है पर्टिकुलरली वैल्यू एडेड सर्विसेज का। सो ट्रांजिट मिक्सिंग का एग्जांपल है कि तीन सप्लायर्स हैं, ठीक है, ये कस्टमर्स हैं, ठीक है, बीच में है वेयर हाउस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट पड़ा है, कस्टमर डब्ल्यू को इस तरह का मिक्स चाहिए था ए बी सी डी, कस्टमर एक्स को ए बी सी डी का मिक्स, कस्टमर वाई को ए बी सी एंड कस्टमर जेड को ए और बी का मिक्स चाहिए था। यानी कुछ प्रोडक्शन होगा जो ए को, ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इनका मिक्स चाहिए था। तो यस, वेयर हाउस वो आपको ट्रांजिट मिक्सिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस। नाउ फाइनेंसिंग, सो वेयर हाउस आपको ना एडवांस मनी जो है, वेयर हाउस ओनर्स एडवांस
advance money to the owners on security of the goods and further supply of goods on credit terms to customers. तो कभी कभी जो ग्राहक होते हैं उनके पास पूरे पैसे नहीं होते, तो warehouse उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट पर आपको अवेलेबल हो, ठीक है. सो दिस कम्स टू कस्टमर्स एरिया, पर्टिकुलर गुड्स आपको क्रेडिट पर अवेलेबल हो. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर ऑफ वेयरहाउसिंग, सॉरी द सब टॉपिक ऑफ वेयरहाउसिंग. नाउ हम करेंगे क्वेश्चंस अच्छे से. सो आई होप आपको समझ में आया. टेलीकॉम सर्विसेज मैंने करवाया था लास्ट, फिर कराया था वेयरहाउसिंग, उसके पहले इंश्योरेंस, उसके पहले बैंकिंग, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी पढ़ा था, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े. सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया कंसेप्चुअली, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे अच्छे से इसके बाद, तो आपके जो प्रिपरेशन है उस वो इन्हांस होगी, एंड आपको क्वेश्चन टाइप समझ में आएगा, आपको वे ऑफ अप्रोचिंग द आंसर समझ में आएगा, एंड अ लॉट मोर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर. ये इंडिया का लीडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम. पर अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो हम हिंदी मीडियम में 6 से 12 तक का ही पढ़ाते हैं, ठीक है, डैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ अगर मैं बात करूं हमारे यूट्यूब चैनल की, तो यहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सिस्टमैटिकली. हमारी वेबसाइट एंड ऐप पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. इसके अलावा हम आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड्स की एंड अदर स्टेट बोर्ड्स की भी. स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी बहुत ही अच्छे से चल रहा है. अगर आप न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैब सीखना चाहते हैं, मस्ट एक्सप्लोर दैट कोर्स. इफ यू वॉन्ट ई नोट्स और ई बुक्स ऑफ एनी चैप्टर और एनी पर्टिकुलर टॉपिक, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वाई नॉट गेट कनेक्टेड विद अस, एंड प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन राइट अवे, एंड इस वीडियो को लाइक करके थैंक यू मैम जरूर लिख के जाना. बाय बाय, टेक केयर.